उत्तर प्रदेश में आज के मौजूदा समय में एक गैंगस्टर ऐसा है जिसकी ना तो पुलिस के पास तस्वीर है और ना ही उसको आज तक किसी ने देखा है। इसके बावजूद भी वो अब एक बड़े गैंगस्टर को जान से मारने की धमकी दे रहा है। नाम है बीकेडी सिंह, जो गैंगस्टर ब्रजेश सिंह को मारने के लिए बहुत दिनों से खोज रहा है। और दूसरी तरफ पुलिस उस गैंगस्टर यानी कि बीकेडी सिंह को 5.5 साल से खोज रही है, लेकिन पुलिस के पास ना तो उसकी कोई तस्वीर है और ना ही उसके बारे में कि वो कैसा दिखता है या फिर जो भी कुछ है, कुछ भी नहीं जानती पुलिस। 5.5 साल का वक्त बीत चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन आज तक उस गैंगस्टर यानी कि बीकेडी सिंह की ना तो किसी ने तस्वीर देखी है और ना ही ये जानता है कि वो कैसा दिखता है। इसके बाद भी बीकेडी सिंह अब गैंगस्टर ब्रजेश सिंह की जान का दुश्मन बना हुआ है, और ये आज से नहीं बल्कि कई सालों की कहानी है। कई सालों से वो ब्रजेश सिंह को मारने के लिए खोज रहा है, प्लान बना रहा है। दरअसल इस कहानी में 3 गैंगस्टर हैं। एक का नाम है ब्रजेश सिंह, दूसरे का नाम है मुख्तार अंसारी और तीसरे का नाम है बीकेडी सिंह। तो इन तीनों गैंगस्टरों के बीच में आपस में ऐसा क्या संबंध है कि ये तीनों एक दूसरे को मारने के लिए बहुत दिनों से शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। पहले बात करते हैं ब्रजेश सिंह की। कहा जाता है कि ब्रजेश सिंह, जो कि अभी 3 दिन पहले 14 साल बाद जमानत पर बाहर आए हैं, कहा जाता है कि ये पढ़ लिख कर कुछ अफसर बनना चाहते थे, इनके पिता का सपना था, लेकिन इनके पिता की हत्या गांव के ही हरिहर सिंह ने कर दी थी किसी विवाद को लेकर, जिसके बाद ब्रजेश सिंह इतना ज्यादा बौखला गए पिता की हत्या के बाद कि वो अब बदला लेने के लिए गैंगस्टर बने और हरिहर सिंह की उन्होंने हत्या कर दी। समय का जो चक्र होता है वो बदलता रहता है। अब हरिहर सिंह का बेटा बीकेडी सिंह अब खोज रहा है कई सालों से ब्रजेश सिंह को मारने के लिए। तो क्या ब्रजेश सिंह अब 14 साल बाद जब जमानत पर बाहर आए हैं तो क्या बीकेडी सिंह उनको मार देगा? कहा तो ये भी जाता है कि बीकेडी सिंह इससे पहले भी कई बार ब्रजेश सिंह के करीबियों पर वॉर कर चुका है, और साथ ही उसने ये भी मैसेज देने की कोशिश की थी कि अगर मैं आपके साथियों पर, अगर मैं आपके करीबियों पर हमला करवा सकता हूं तो सोचिए मैं आपको भी मरवा सकता हूं। के पास प्लस पॉइंट ये है कि ना तो उसकी तस्वीर है, ना तो उसको जानता है कोई कि वो कैसा दिखता है, तो बहुत ही आसानी से वो किसी को भी मरवा सकता है। तीसरा किरदार है मुख्तार अंसारी, जो कि ब्रजेश सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। और मुख्तार अंसारी का किरदार इसलिए भी अहम है क्योंकि आज से कई साल पहले जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो आज के मौजूदा मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो मुख्तार अंसारी के गढ़ में जा रहे थे, वहां पे दंगा हुआ था, लेकिन मुख्तार अंसारी ने ऐलान कर दिया था कि अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे तो मैं उन्हें आने नहीं दूंगा, और योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया था कि अगर मैं वहां पर जाने को कह रहा हूं तो जाऊंगा। बकायदा योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के साथ वहां पर जाते हैं और मुख्तार अंसारी योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला करवा देता है। खैर, उसका खामियाजा आज योगी आदित्यनाथ उसको भुगता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ क्या भुगता रहे हैं, बल्कि वो अपने गुनाहों की, अपने कर्मों की सजा खुद भुगत रहा है। वो अब बांदा जेल में करवटें बदल रहा है। लेकिन कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी का एनकाउंटर होगा पंजाब से, जब उसे रोपड़ जेल से लाया जाएगा तो रास्ते में उसका एनकाउंटर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इसके आसार भी बहुत कम ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हम एनकाउंटर का समर्थन नहीं करते, लेकिन इन 3 किरदारों के बारे में अगर बात करें तो ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी, बीकेडी सिंह और चौथे किरदार को जोड़ लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो इन तीनों पर कंट्रोल करने के लिए वहां पर बैठे हैं लखनऊ में। ब्रजेश सिंह जमानत पर 14 साल बाद बाहर आ गए हैं, बीकेडी सिंह उन्हें मारने के लिए खोज रहा है, मुख्तार अंसारी जो कि जेल में बंद है और उसी के केस में उनको जमानत मिली है। दरअसल ब्रजेश सिंह ने अपने दुश्मन मुख्तार अंसारी से बदला लेने के लिए उन मुख्तार अंसारी के ऊपर फायरिंग की थी। मुख्तार अंसारी के गनर की मौत हो गई थी, लेकिन मुख्तार अंसारी बच गया था। और ब्रजेश सिंह कई सालों से ये सपना लेकर चल रहे हैं कि एक दिन मुख्तार अंसारी को मार के वो पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन बनेंगे और एक छत्र उनका राज होगा। हालांकि ये गए जमाने की बात हो गई है, ये उस जमाने की बात है जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव या फिर मायावती की सरकारें हुआ करती थी और IPS को कुछ भी नहीं समझा जाता था। कहने में थोड़ा सा
अजीब लगता है, लेकिन उस समय पुलिस प्रशासन या फिर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, और शायद इसीलिए ये गुंडे माफिया इतने तेज़ी से यूपी में पनपते हुए दिखाई देते थे। लेकिन आज वक्त बदल चुका है, आज लखनऊ में बाबा जी बैठे हैं, और योगी आदित्यनाथ ऐसे अपराधियों पर किस तरह से लगाम कसना चाहिए उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। खैर, तो यहाँ बड़ा सवाल उठता है कि जब ब्रजेश सिंह अपने काफिले के साथ जमानत पर बाहर निकले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब उन्हें जमानत दिया और बाहर निकले, तो मुख्तार अंसारी जेल में ये जब खबर सुना तो वहाँ पर ना तो सो पा रहा है, ना तो बैठ पा रहा है, ना तो ठीक से कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसे अब डर सता रहा है अपनी मौत का कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ब्रजेश सिंह बाहर आ चुका है और मैं जेल के अंदर हूँ। लेकिन इसमें कायदे की बात अगर देखी जाए तो अब पहले वाला समय, मैंने कहा ना, नहीं रहा। ना तो ब्रजेश सिंह की गैंग बची है और ना ही मुख्तार अंसारी की गैंग बची है, और इसमें अगर इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल इस समय कोई दिखाई देता है योगी आदित्यनाथ के बाद, तो ब्रिगेडियर सिंह अपने पिता का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह को खोज रहा है। खैर, इन सब में कहानी देखने को यह मिल रही है कि क्या बीकेडी सिंह, जो 5.5 साल से पुलिस को चकमा दे रहा है, क्या वो गिरफ्तार होगा? क्या बीकेडी सिंह अपने दुश्मन ब्रजेश सिंह को मारने के लिए अब कोई नए तरीके अपनाएगा? कहा जाता है कि ठाकुरों की लड़ाई में अगर कोई दूसरा आया तो वो भी फंस जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई में क्या होगा? क्या एक बड़ा गैंगवॉर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा? अगर ऐसा होता है तो एक ठाकुर और बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ, वो इसे कैसे डील करेंगे या फिर इन दोनों की लड़ाई को कैसे ही, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में योगी आदित्यनाथ कैसे अपने आप को साबित करेंगे कि अब उत्तर प्रदेश में ना तो कोई गुंडा है, ना तो कोई माफिया है, और ना ही ऐसे किसी का यहाँ पर राज चलने वाला है, ना ही और राज्यों की तरह यहाँ पर गैंगवॉर होने वाली है। फिलहाल इस खबर में, इस तिकड़ी में, जो मुख्तार अंसारी, ब्रिगेडियर सिंह और ब्रजेश सिंह की जो तिकड़ी है, जो तीनों एक दूसरे के दुर्विरोधी हैं, दुश्मन हैं, इन तीनों के बारे में आपका क्या कहना है? और कहा तो ये भी जा रहा है कि ब्रिगेडियर सिंह मुन्ना बजरंगी, जो कि मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ किसी जमाने में हुआ करता था, जिसकी हत्या यूपी के जेल में सुनील राठी ने कर दी थी, और मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद ये भी कहा जा रहा है कि अब मुन्ना बजरंगी की गैंग को बीकेडी ही संभाल रहा है। तो फिलहाल यूपी में गैंगस्टर राज का जो खात्मा है वो तो इसमें कोई शक नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी ने किया, लेकिन अब आज के मौजूदा समय में अगर ब्रजेश सिंह दोबारा से अपने दुश्मन मुख्तार अंसारी से बदला लेने की सोचते हैं, या फिर बीकेडी सिंह ब्रजेश सिंह को मारने का सपना देखता है, या ये तीनों एक दूसरे को मारने का सपना देखते हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ अपने आप को कैसे साबित करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज चलता है? फिलहाल इस खबर पर अपनी राय जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए BDF न्यूज़।